धम्मपद चित्त वग गाथा कथा नंबर 42, ये कौशल जनपद की कथा है। नंद गोपाल या नंद गोपालक या नंद महिषपाल, यानी महेशपाल जो गाय और भैंस को महिष को पालता था, उसकी ये कहानी है। जो अनाथ पिंडक था, अनाथ पिंडक का दान का चर्चा दूर दूर तक था। उसकी गाय भैंसों की यानी महिष की और धेनु की जो देखभाल करता था वो महिषपाल या गोपाल करके था। उसका नाम भी नंद गोपाल या नंद महिषपाल पड़ा हुआ था। तो नंद गोपाल या नंद महिषपाल गायों की सेवा करते करते धम्म भी सुना करता था और धम्म उसकी अंदर इच्छा जागृत हो गई धम्म सीखने की। धम्म को जाने लगा, सीखने लगा, उसका पालन करने लगा। उसकी इच्छा हुई कि भिक्खु संघ उसके यहां आकर भी भोजन दान ग्रहण करे। उचित समय पर भगवान ने उसका भोजन दान ग्रहण करने के लिए स्तुति दी, स्वीकृति दी। 7 दिन तक देशना चली, 7 दिन तक भिक्खु को दान चला। 7वें दिन जब वो भिक्खु दान खत्म हुआ, देशना खत्म हुई, तो वो विदा करने के लिए उनका चीवर पात्र लेकर पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर जंगल में जाने के बाद में उसने पात्र भिक्खु संघ को दे दिया और वो भगवान बुद्ध को दे दिया और वो वापस होने लगा। बीच रास्ते में उसको एक बाघ ने खा लिया। जो पीछे वाले भिक्खु थे उन्होंने देखा कि जो नंद गोपाल या नंद महिष है वो मारा जा चुका है, बाघ ने उसको खा लिया है। जब सारा भिक्खु संघ बिहार पहुंचा तब भिक्खुओं ने ये बात भगवान बुद्ध को कही, भगवान अगर आप उसके यहां देशना करने नहीं जाते या भोजन दान के लिए नहीं जाते तो वो मारा नहीं जाता, बच जाता नंद गोपाल या नंद महिषपाल। तब भगवान ने ये बात कही कि मैं जाता या ना जाता, मृत्यु अटल है, जीवन के साथ आती है, वो मारा ही जाता, मृत्यु को प्राप्त होता, मच्छू को प्राप्त होता ही। अब जो वो मच्छू को प्राप्त हुआ है तो सोतापन हुआ है, सोतापन होने से उसे लाभ हुआ है। बेसिकली पहले वाले जो महिषपाल था या महेशपाल था या गौपाल था या धेनुपाल था, और अब जो मृत्यु को प्राप्त हुआ जो महेशपाल या गौपाल या नंदपाल या जानवरपाल है, उसमें क्या अंतर रहा? जो सोतापन हुआ वो बेसिकली, जब आदमी कहीं पैदा होता है तो वो पैदा होने के 2 कारण उसके होते हैं। एक तो माँ बाप से उसको शरीर की रचना मिलती है और एक बाहर से व्याणा आता है जिसको ह्यूमन का सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कि उसका व्यवहार जो उसने अब तक कमाया है, देखा है, जीवन भर जो व्यवहार है उसकी एक फाइल बन जाती है, कोड बन जाती है, जो वाईफाई के थ्रू तरंगों के थ्रू आती है, जहां उसका रिसीवर होता है वहां। तो जब वो पहले पैदा हुआ जहां से आया था तब वो सोतापन नहीं था, यानी उसमें अच्छे गुण नहीं थे, और अब उसके अंदर अच्छे गुण आ गए। अच्छे गुण आने से उसके आगे का जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। ये उसकी सफलता, ये उसकी कार्य कुशलता रही, ये उसकी अचीवमेंट रही, ये उसने प्राप्त किया। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही, दिशो दिसंग यंग तंग कैरा वैरी वा पन वैरी नंग मिच्छा पड़ी हितंग चित्तंग पापियो नंग ततो करे। दिशो दिसंग यंग तंग कैरा वैरी वा पन वैरी नंग मिच्छा पड़ी हितंग चित्तंग पापियो नंग ततो करे। दिशो दिसंग का मतलब है, दिशो दिसंग यंग तंग कैरा, दिशो माने होता है शत्रु, दिशो और दिस माने भी शत्रु है, यानी कि शत्रु जितनी किसी शत्रु की हानि नहीं करता है। वैरी वा पन वैरी नंग, और वैरी वैरी माने भी दुश्मन होता है, वैरी जितनी हानि किसी वैरी की नहीं करता है, यानी दो दुश्मन है आपस में वो जितनी हानि एक दूसरे की नहीं करते हैं। मिच्छा पड़ी हितंग चित्तंग, मिच्छा पड़ी हितंग चित्तंग, मिच्छा पड़ी हितंग का मतलब है मिच्छा माने गलत, पड़ी माने संकल्प, और हितंग माने जो उसके रहता है चित्त के अंदर, यानी कि किसी के अगर मन के अंदर गलत संकल्प है तो वो क्या करता है, पापियो नंग ततो करे।
पापियो नंग ततो करे, तब वह मिच्छा से युक्त जो संकल्प वाला चित्त है, मन है, वो उससे भी ज्यादा हानि मनुष्य की करता है। यानी कि अगर कोई दुश्मन दुश्मन की आपस में जितना नुकसान करता है, वैरी वैरी का जितना आपस में नुकसान करता है, उससे ज्यादा नुकसान तब होता है अगर आपके मन में कोई गलत बात है और उसका संकल्प लिया हुआ है काम करने का, कोई गलत धारणा है मन में, कोई गलत बात आई हुई है, कोई पाप कर्म आया हुआ है, वो उससे भी ज्यादा आपका नुकसान करता है। ये बात भगवान बुद्ध ने उस गाथा के अंदर, कथा के अंदर कही। धन्यवाद। Shut up.